वेलकम टू अंदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 68 में। तो लास्ट एपिसोड में हम देख चुके हैं जहां पर आस्था को उड़ा दिया नोलेल ने, जिसके बाद आस्था जहां पहुंचा कैप्टन यामी और कैप्टन मैंट्रिस की लड़ाई के बीच में, जहां पर नोलेल खुश है दोनों भाई बहनों को दोबारा पहले की तरह देखकर, मतलब कोहानो और कियाटो को देखकर, जहां पर वो कहते कि काफी अच्छी बात है कि दोनों पहले की तरह ठीक ठाक है। और यहां पर वो सोचते उसके बगल में आस्था खड़ा, लेकिन वहां पर कोई और खड़ा था जो हमने देखा था सीन प्रीव्यू में, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं बात। लेकिन हम बात कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब आगे बढ़ते। जहां पर नोलेल खोजते हुए निकलती है आस्था को, जहां वो पहुंचती है उस जगह जहां पर लड़ाई हो रही है ब्लैक बुल्स और मैंट्रिस की, जहाँ ये लड़ाई थी फूड स्टॉल की, मतलब किसका फूड स्टॉल बेस्ट फूड बना के बेचेगा लोग। लेकिन दोनों में से किसी के पास भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, जहाँ पे इसके सेलर थे आस्था और वहा मतलब सेकी। अब जहाँ यामी और मैंट्रिस कुछ ज्यादा पैशनेट है सब चीजों को लेकर, मतलब कुछ ज्यादा एक्साइटेड एक दूसरे को, मतलब भिड़ने में, मतलब लड़ रहे दोनों साथ में, जहाँ पर वो कभी थम रेसलिंग करते हैं तो कभी स्टोन पेपर सीजर और काफी सारी चीजें और करते हैं, जहाँ पे फूड स्टॉल भी उसी में से एक था। लेकिन यहाँ पर बुलाते हैं वो लोग फिनरेल को, जिसके बाद पहुंचते हैं मेन मुद्दे पे, मतलब यहाँ पे बात हो रही है सीरियस लड़ाई की, जहाँ इनके साथ साथ एक बूढ़ी सी आंटी भी पहुंचती है। और बूढ़ी सी आंटी और कोई नहीं, क्योंकि इनकी आंखें देखें बता सकते ये है मैजिक किंग, किसी को बताना मत, मतलब विज़र्ड किंग, जो उनके साथ साथ वहाँ जा पहुँचते हैं। अब जहाँ लड़ाई काफ़ी मस्त चलती है, मतलब कभी तलवार की धार तो कभी पंजों की मार, मतलब उसके हाथ में लगे हुए क्लॉज, जिसके बाद दोनों लड़ते हैं। लेकिन आखिर में दोनों यूज़ करने जाते हैं अपने मेन मूव का, जो कि उनका काफ़ी तगड़ा मूव था, जिसको हम देख चुके हैं पहले, जहाँ पर मिडनाइट सन के वेटो पे ये मूव यूज़ कर चुके हैं कैप्टन यामी। और इसके अलावा मैंट्रिस के पास भी ऐसे कोई मूव था, मतलब इन दोनों के मूव कुछ डायमेंशन कट वाले मूव थे, और इनके मूव का नाम कुछ ऐसा था, एक डायमेंशन स्लैश और दूसरा डैड सिंह, मतलब इसका ये हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे इन्हें रोक लिया विज़र्ड किंग ने, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था दोनों का यूज़ करने एक दूसरे के ऊपर, और काफ़ी बड़ी बात हो सकती थी, जिसकी वजह से रोक लिया यहाँ पे विज़र्ड किंग ने इन दोनों को, कि ये शायद आगे के लिए बचा के रखना, जब मैं तुम्हें देख सकूँ बाद में, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर विज़र्ड किंग का बुलावा आ चुका है और वो मिलने जा रहे हैं विज़र्ड ने सिर्फ किंग से, जिसको शायद हम देख चुके हैं यहाँ पर, जहाँ मैंने ब्रेकडाउन किया था कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर के आने वाले एपिसोड्स में। तो उसको भी उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर के आने वाले एपिसोड्स में। और हाँ, यहाँ पर होता है यही, जहाँ पर आस्था और बाकी सब भी बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मूव काफ़ी खतरनाक थे, जो सबके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते थे और उस पहाड़ी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते थे। हाँ, तो बस यही था, जहाँ पर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है, बाकी सब वापस पहले की तरह पहले की जगह पे आ चुके हैं, जहाँ पर यहाँ पर कैप्टन यामी और मैंट्रिस दोनों दोस्त बन चुके हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के स्टॉल का खाना खा रहे हैं क्योंकि किसी और ने नहीं खाया, और तारीफ कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा स्टॉल का खाना भी अच्छा है और तुम्हारा भी अच्छा है, मतलब ये वही फिनोमेना है जिसमें हम जिसको पसंद करते हैं, फिर जो हमारा दोस्त होता है उससे हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, मतलब हाँ वही वाली बात है, जहाँ पर नोलेल भी कहते हैं कि आस्था मैं भी तुमसे लड़ना चाहूँगी ऐसे ही वाला, और मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग इसका आस्था को नहीं पता, लेकिन जो भी है यहाँ पर लड़ाई दोबारा शुरू हो चुकी है कैप्टन यामी और कैप्टन मैंट्रिस की, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, मतलब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, और ये सब चलता रहेगा ब्लैक क्लोवर में, जहाँ आस्था को उड़ा दिया है कैप्टन यामी ने। तो उड़ता उड़ता एक मैजिक नाइट स्क्वाड का मेंबर, जिसके पास मैजिक नहीं है, वो पहुँचता है किसी दूसरी जगह पर, जहाँ पर वो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है सामने, और ये कौन है, ये देखी देखी लग रही है, और ये है कैप्टन शार्लेट, जिसके बारे में बाकी चीज़ें पता चलेगी हमें अगले एपिसोड में। देखते हैं क्या क्या होता है मेले में आने वाले एपिसोड्स में, और करते हैं प्रीव्यू ब्रेकडाउन एपिसोड 69 का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कैप्टन शार्लेट को, जो काफ़ी अलग सी बनी हुई है, मतलब वो काफ़ी कुछ कर रही है, जहाँ पर वो ड्रिंकिंग भी कर रही है और अपने पावर का इस्तेमाल भी कर रही है, और कैप्टन शार्लेट ने कुछ ज़्यादा ही मेकअप कर रखा है और वो दिखने में पहचानी नहीं जा रही, मतलब मेकअप इतना ज़्यादा भी नहीं जिससे वो सुंदर ना लगे, लेकिन वो सुंदर है और उसके अलावा पहचानी नहीं जा रही, और ये सारी बात बता रहा है मैं फिनरेल। और हाँ, आस्था का मुंह मार रहा है, और आस्था कर क्या रहा है आखिर यहाँ पे, जहाँ पे उड़ भी दोबारा उड़ रहा है, मतलब उड़ता उड़ता एक आस्था ऐसी जगह पहुंचा जिसके पास पंख ही नहीं थे, मतलब देखते हैं। तो अगला एपिसोड भी होने वाला है मजेदार, मतलब मजे से भरा हुआ, और देखते हैं क्या होता है, क्या मजेदार लेकर आता है एपिसोड 69 हमारे लिए ब्लैक क्लोवर का। तो बस ये था आज के इस वीडियो में, और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसके अलावा अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल मत भूलना, और बस तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।